मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का अचार। मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं, अब इसको अच्छे से एक बाउल ले लिया है, बाउल में रख लेंगे। एक बाउल लिया है, बाउल को अच्छे से पोंछ लिया है कि इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी से अचार ख़राब हो जाता है। मैंने अमिया को अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है, इसमें पानी की नहीं रहना चाहिए। अब इसको आगे का हिस्सा थोड़ा सा कट कर देंगे, कट करने के बाद इसको सरौता से काट लेंगे, जो मैं काट के दिखा रही हूँ। एक सरौता लिया है, इसमें एक कपड़ा लगा लिया है जिससे आराम से कट जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से काट सकते हैं। इस तरीके से आप 4 पीस कर सकते हैं, चाहें तो 2 पीस भी कर सकते हैं, और इसकी गुठली निकाल देंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने ये इसमें नमक डाल के रख दिया था एक रात के लिए, इसमें ऐड कर दिया था, अब इसको एक रात के लिए रख दिया था। अब सुबह इसके लिए इसमें धूप भी नहीं लगानी है, आराम से स्वादिष्ट अचार फटाफट तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें से पानी नीचे बैठ गया है। अब बनाते हैं आम का अचार। अब हम लोगों का सेकंड स्टेप है, अब जो सामग्री लगेगी मैं दिखा दूंगी। अचार के लिए मसाले तैयार कर लिए हैं आप, हमने खड़े मसाले भी लिए हैं, खड़े मसाले से अचार बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये हमने इलायची ली है, खड़ी इलायची, कलौंजी, फिटकरी से अचार कभी ख़राब नहीं होता है, इसको आप 3-4 साल तक बना के रख सकते हैं। राई, मेथी, सौंफ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अजवाइन, इलायची, लौंग और हींग। हम लोगों का थर्ड स्टेप है, हमने ये कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर ली है, अब ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। और कढ़ाई गर्म हो जाए फिर इसमें सबसे पहले सौंफ डालेंगे, सौंफ को भून लेंगे, हल्का भूनना है, जले नहीं, नहीं तो जल जाएगी तो बेकार हो जाएगी, इसीलिए इसको हल्का सा भून लेना है। गुलाबी सौंफ गुलाबी हो चुकी है, अब सौंफ में राई ऐड कर देंगे, खड़ी इलायची ज़्यादा नहीं, 2 डालनी है, मेथी, इलायची, हरी इलायची, लौंग, 2 लौंग डालनी है, ज़्यादा नहीं, कड़वा जाएगी लौंग से, अजवाइन, 2 चम्मच अजवाइन ऐड कर लिए। अब इसको भून लेंगे, भूनने के बाद एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। अब कढ़ाई में कड़वा तेल डालेंगे, हम लोगों को 1 कटोरी तेल ले लेना है, 1 कटोरी तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देंगे। बस तेल में हल्का सा धुआं निकला है, बस अभी तक गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। अब आप देख रहे हैं तेल में से धुआं निकलने लगा है, अब गैस को ऑफ कर देंगे, अब तेल ठंडा होएगा, तब तक ही मसाला पीस लेंगे। जो हमने मसाला भुना था वो ये ठंडा हो चुका है, अब इसके लिए मिक्सी में पीस लेंगे। एक मैंने परात ले लिया है, आप ये नमक पड़ी हुई अमिया है जो एक रात से रखी हुई थी, अब इसके लिए इसमें निकाल लेनी है परात में। अब मैं परात में निकाल ले रही हूँ, अब आप देख रहे हैं मैंने परात में निकाल लिया है, अब इसमें मसाले का प्रोसेस जो रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ। टर्मरिक पाउडर 1.5 चम्मच, नमक 1 कटोरी डाल चुके हैं, अब थोड़ा सा पड़ना है स्वाद अनुसार, कलौंजी 1/2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, स्वाद अनुसार 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, चाहे तो आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हींग स्वाद अनुसार। जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल अचार है जो ख़राब नहीं होगा सालों साल, ये मैंने गुप्त बना के रखा हुआ था फिटकरी, जिसको मैंने मिक्सी में ड्राई कर लिया है, 1 चम्मच फिटकरी, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तेल गरम किया हुआ था, अपने तेल डाल देंगे, सावधानी से
जितना तेल कम पड़ेगा उतना ही अच्छा है, ज़्यादा तेल नहीं अच्छा लगता है। स्पेशल अचार जो आप सालों साल रख के खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा अचार, क्योंकि इसमें एक स्पेशल चीज़ पड़ी है फिटकरी। वो आपने देखा होगा इतना अच्छा कलर आया है। फिटकरी हम लोग पहले पानी साफ़ करने के लिए लेते थे, लेकिन अचार में अचार से टेस्ट आता है। फिर अब इसमें जो पानी बचा हुआ था, नमक पड़ा हुआ अचार का, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, सारा पानी ऐड कर देंगे, छन्नी से छान लेंगे, कोई भी गंदगी नहीं रहे, क्योंकि अचार है ख़राब हो जाएगा। अब हमने पानी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि इसका खट्टापन इसी से ही आता है, अगर ये पानी फेंक देंगे तो इसका अचार में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि नमक इसमें पहले से ही ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा नमक और डाला है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च आधी चम्मच, जो आप देख रहे हैं आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च, कलर अच्छा आता है, बच्चों के लिए भी पसंद आता है, जो देखने में लजीज लगेगा। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर अचार तैयार हुआ है, लजीज। अब इसको एक जार में रख लेंगे, चाहे तो आप कांच वाले में रख सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, कांच के ही जार में रखना है, क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे भी मना है, प्लास्टिक नुकसान करती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आप रंग देख सकते हैं इसका कितना उभर के आ रहा है, मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें अलग था रंग, इसमें अलग पॉपुलर है। अब इसको एक जार में डालूंगी। ये हम लोगों का अचार तैयार हो चुका है, अब इसके लिए धूप में रखेंगे 2-3 दिन के लिए, इसमें ढक्कन नहीं लगाना है। अब इसमें ढक्कन लगाएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, एयर नहीं पहुंचेगी। अब इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे, इस तरीके से कपड़ा ढक देंगे और कपड़े का मुंह बांध देंगे, जिससे कि छिपली है, मच्छर वगैरह अंदर ना जा सके। अब इसको कस के बांध देंगे। अब इसको 2-3 दिन धूप में रखना है, और धूप में रखने के बाद अचार आपका तैयार। देखिए कितना स्वादिष्ट लजीज अचार तैयार हुआ है, स्पेशल अचार। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। राधे राधे।